जिनके हम सत्कार के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, हमारे ऐसे हदिल अजीज नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष बाला साहेब प्रदीप पवार साहब और डॉक्टर बलहाज पाटिल साहब, ऐसे ही मनोज भाई सोनौली और भी बहुत सारे कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी जैसे वीजी पाटिल है, उदय सिंह पाटिल साहब है, प्रभाकर अप्पा सोनौली है, संदीप भैया है, ये तमाम लोग यहाँ पर जमा हैं। मैं शेर से मैं दो तीन बातें यहाँ पर रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली 4 बजे पे इजाजत चाहूंगा दादा से। मैं एक शेर से अपनी शुरुआत करूंगा। बाला साहेब आपके लिए एक शेर कह रहा हूँ बाला साहेब, कि उरूज एक लफ्ज है उरूज उर्दू का जिसके माने होते हैं बुलंदी। तो इस दुआ से मैं बात शुरू करूंगा कि तुम्हें नसीब हो ऐसा उरूज दुनिया में, तुम्हें नसीब हो ऐसा उरूज दुनिया में कि आसमां भी तुम्हारी बुलंदियों पे नाश करे। आज हमें बड़ी खुशी है, मैं इस बात को बड़ी खुशी के साथ बयान कर रहा हूँ कि एक तरफ तो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं एक डैशिंग नाना पटोले साहब, और अब खुशी हो रही है कि आज हमारे कांधे से कांधा मिलाकर और हम जिनके कांधे से कांधा मिलाकर काम करेंगे ऐसे ही डैशिंग जिला अध्यक्ष हमारे बाला साहब, हमारी दुआएं साहब। और आपका तारुफ आपका इंट्रोडक्शन अभी सर ने हमारे सामने बयान किया, मुझे पता कि थोड़ी कम समझती है, मैं अभी 4-5 दिन से उत्तर प्रदेश में था तो वहां पर हिंदी और उर्दू में खूब भाषणबाजी किया। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का माहौल है, जैसे मुझे पता चला कि आज आपका यहाँ पर प्रोग्राम है, मैं रात ही में यहाँ पर पहुंचा। मैं सिर्फ इतना आपके सामने कहूंगा और तमाम ही इस वक्त जितने भी हमारे पदाधिकारी जितने कार्यकर्ता यहाँ पर जमा है, मैं तमाम के सामने ये कहूंगा कि इस वक्त हमारे तमाम कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मिलकर अभी आपके नेतृत्व में महाराष्ट्र में नाना पटोले साहब के नेतृत्व में और पूरे मुल्क में सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हमें ये काम करना है कि अभी सबसे ज्यादा इस मुल्क को जो षड्यंत्र किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम में नफरतें पैदा करके जो नापाक साजिशें और घटिया किस्म की नीच राजनीति की जा रही है, आज हम यहाँ पर सब मिलकर तय करें कि जैसे हमारे पुरखों ने जैसे हमारे पूर्वजों ने इस प्यारे मुल्क भारत को अंग्रेज जालिमों और कातिलों से बचाया था, आज हम अपने इन नेताओं के नेतृत्व में हम इस प्यारे मुल्क को बचाएंगे। आज हमको ये तय करना है। और आज एक बात मैं और कहूंगा साहेब कि अभी 2 दिन पहले सोनिया जी का बयान आया, मैं तमाम ही मेरे भाइयों के सामने कहूंगा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के सामने कहूंगा कि सोनिया जी का 2 दिन पहले जो बयान आया उसमें सोनिया जी ने यही कहा है कि इस वक्त मुल्क जो है अंग्रेजों के दौर में जितना जुल्म और सितम से गुजर रहा था उससे भी ज्यादा खतरनाक जुल्म और सितम से ये प्यारा मुल्क गुजर रहा है। और हमारी जिम्मेदारी है, हिंदुस्तान की तारीख है, भारत की हिस्ट्री है कि हमारे कांग्रेस के हमारे पूर्वजों ने भी और हमारे तमाम नेताओं ने भी हमेशा मुल्क की हिफाजत की है, मुल्क की एकता अखंडता की हिफाजत की है, मुल्क के प्यार की हिफाजत की है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की हिफाजत की है। आज हमको इस प्रोग्राम में तय करना है इंशाअल्लाह कि हम सब एक होकर इस प्यारे मुल्क को घटिया किस्म के राजनीति से बचाएंगे। सोनिया जी का यह पैगाम जो 2 दिन पहले सोनिया जी ने दिया है, मैं वो पैगाम आपके सामने रख रहा हूँ। और मुझे खुशी है बात की आपने बाला साहेब आपने अभी जब यहाँ पर आप आए तो आपने मुझे लफ्ज कहा कि मुफ्ती साहेब कोने में बैठ गए तो मैं बाला साहेब खासतौर से आपके सामने कह रहा हूँ कि अगर हमें मुल्क को बचाना है हम अपने जाति सम्मान को भी कुर्बान करने को तैयार। और मैं इसलिए कह रहा हूँ खासतौर से क्योंकि मैं देखता हूँ मुझे मनोज भैया ने कहा कि मुफ्ती साहब जरा ऊपर चले जाना भैया कुर्सी संभाल लेना बड़ा लफड़ा होता है। मनोज भैया ने कहा तो पहले कहा कि मैं भले ही पूरे मुल्क का धर्म गुरु हूँ, मेरी इज्जत और सम्मान खुदा ने जो मुझे दिया है वो उसका एहसान है उसका कर्म है, लेकिन आज मैं आप तमाम के सामने ये खासतौर से कह रहा हूँ कि अगर मुल्क को बचाना है तो हमारे पुरखों ने हमारे उलमा ने हमारे धर्मगुरुओं ने हमारे इमामों ने हमारे नमाज पढ़ाने वालों ने दिल्ली के लाल किले से लेकर लाहौर की सड़क तक अपनी जानों की कुर्बानियां दी थी। आज हम अपने सम्मान को कुर्बान करेंगे लेकिन इस प्यारे मुल्क को बचाएंगे। बल्कि आखिरी शेर कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा और इजाजत चाहूंगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे है, मैं आखिरी शेर कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा और एक पैगाम एक संदेश के इंशाअल्लाह जमील भाई हालात बदल रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, काले दिन जा रहे हैं,
झूठे और फालतू और फेकुओं के दिन बुरे आ रहे हैं। अभी चार दिन में उत्तर प्रदेश में था, मैंने सारा मामला देख लिया और अब हमको सबको साथ मिलकर इंशाअल्लाह इस मुल्क के फिर अच्छे दिन लाना है। और अगर हम एक होकर काम करेंगे तो हालात यकीनन बदलेंगे। इस शेर पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्याल बदल सकते हैं और दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं और हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। इंशाल्लाह मुल्क के भी अच्छे दिन आएंगे और अभी जो थोड़े हालात जो खराब है इंशाल्लाह वो भी दूर होंगे। और बाबा साहब एक बात हमें खुशी हो रही है, एक डैशिंग जिला अध्यक्ष के साथ हम भी डैशिंग अंदाज में काम करेंगे और आज का जो बाहर का माहौल दिखा बाबा साहब, आज का जो बाहर का माहौल दिखा मुझे ऐसा लगा कि अब मजा आएगा काम करेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी आपको तमाम को दुआएं। अच्छा देखिए एक खास बात है कि ऊपर नाना साहेब नीचे बाला साहेब, तो इंशाल्लाह बहुत काम करने में मजा आएगा। अल्लाह से दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। और बल्कि आखिरी बात कहूंगा कि साहेब कोरोना वायरस खत्म हो गया, अभी फिलहाल भाजपा के वायरस को खत्म करना है। कोरोना वायरस खत्म हो गया, अभी भाजपा के वायरस को खत्म करना है। और याद रखो कोरोना वायरस चंद दिनों के लिए आया था और अगर मुल्क से भाजपा का वायरस खत्म नहीं हुआ तो कोरोना ने जितनी तबाही भी मचाई उतना ये भाजपा का वायरस तबाही मचाएगा। इसलिए कांग्रेसियों आज तय कर लो कि कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक भाजपा का वायरस है और इस खतरनाक नफरती वायरस से हमको प्यारे मुल्क की हिफाजत करना है। अल्लाह हाफिज़।